दोस्तों पिछले कुछ महीनों से तुर्की का भारत के खिलाफ विरोधी रवैया नजर आ रहा है। इसका सबूत दोस्तों ये है कि वो पाकिस्तान की लगातार भारत के खिलाफ मदद कर रहा है। तुर्की जो कि नाटो का सदस्य है, वो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगातार उसको फायदा पहुंचा रहा है। तुर्की जो है वो भारत के खिलाफ लगातार बदमाशी से बाज नहीं आ रहा है और अब वो पाकिस्तान के लिए एक मिग्लिम क्लास का युद्धपोत जहाज बना रहा है। तुर्की ये जहाज पाकिस्तानी नेवी को देगा और ये युद्धपोत सन 2023 तक पाकिस्तानी नेवी में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस पर डिटेल में जानकारी देंगे आपको हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं रोहित देश और दुनिया से जुड़ी हलचल की खबरें आपके सामने लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में कई मौकों पर तुर्की खुलेआम भारत का विरोध करता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगन के नेतृत्व में ये देश एक बार फिर से मुस्लिम दुनिया का सबसे पावरफुल देश बनने का सपना देख रहा है और उसके इस सपने को पाकिस्तान जैसे देश हवा दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों तुर्की अब पाकिस्तान की मदद करने के लिए उसकी सैन्य क्षमता को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए दोस्तों तुर्की की सरकारी कंपनी पाकिस्तान की मदद के लिए कराची में मिग्लिम क्लास का एक कॉर्बेट युद्धपोत जहाज तैयार कर रही है। ये मिग्लिम क्लास का जो युद्धपोत है दोस्तों, ये सन 2023 तक पाकिस्तानी नेवी में शामिल हो जाने की उम्मीद है। तुर्की जो ये जहाज दोस्तों पाकिस्तान को ये देगा, ये काफी ताकतवर है। कॉर्बेट जो है दोस्तों, वो दरअसल एक छोटा जंगी जहाज होता है जो कि कई तरह के कामों में काम आता है। तुर्की का मीडियम क्लास का मिग्लिम क्लास कॉर्बेट एक अच्छा युद्धपोत जहाज माना जाता है। तुर्की ने इसका निर्माण शुरू में अपनी नौसेना के लिए किया था। यह कॉर्बेट जो है दोस्तों, यह टोही सर्विलांस अर्ली वार्निंग के साथ साथ पनडुब्बियों के खिलाफ भी दोस्तों लड़ने में बहुत ही कारगर साबित है। इसके अलावा दोस्तों इस युद्धपोत पर सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात है जो कि दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों तुर्की पाकिस्तान के लिए 4 जिन्ना क्लास की फ्रिगेट का भी निर्माण कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान लगातार अपनी नेवी के हथियार बढ़ाने में लगा हुआ है। भारतीय नेवी की ताकत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान लगातार अपने नेवी के हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में 4 चीनी फ्रिगेट्स और तुर्की में बने मध्यम श्रेणी के जंगी जहाजों को अपने नौसेना के बेड़े में शामिल किया है। इसी के साथ साथ दोस्तों वो चीन के साथ मिलकर 4 पनडुब्बियों का निर्माण भी कर रहा है और साथ ही साथ वो ड्रैगन से 8 पनडुब्बियां भी खरीद रहा है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के पास फ्रांस से बनी ऑगस्टा 19B टाइप पनडुब्बियां भी हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आप सबके लिए आज का सवाल, आज दोस्तों आपको ये बताना है कि स्टालिन जो कि एडोल्फ हिटलर की तरह ही एक तानाशाह थे, वो किस देश के थे। इसका जवाब आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक लेकर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।